नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। अच्छे उत्पादन के लिए अरहर के फसल में जरूरी कार्य। धान की फसल से अधिक उत्पादन लेने के उपाय। हमारे प्रदेश के जो किसान भाई अरहर की खेती कर रहे हैं, उनकी फसल अभी बढ़वार अवस्था लिए खेतों में खड़ी है। इस फसल से अच्छा उत्पादन मिले उसके लिए फसल का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करना जरूरी है। तो आप अरहर की फसल में इस समय कौन कौन से जरूरी कार्यों को किस तरह से करें, इसकी समस्त जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना की विषय विशेषज्ञ रीना शर्मा। किसान भाइयों, जैसा कि अभी खरीफ का मौसम चल रहा है, इसमें अरहर आपकी 20 से 25 दिन की या कई किसान भाइयों की फसल एक महीने की होगी, तो इसमें हम आज शाम से चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ बिंदु हैं। यदि आप उस पर ध्यान रखते हैं तो आपकी फसल निश्चित तौर पे बहुत अच्छे से उत्पादन और आपको लाभ देगी। इसके लिए किसान भाइयों, सबसे पहले अभी यदि हमारी फसल 30 दिन की है तो हमें पहली निदाई की आवश्यकता है, जिसमें खरपतवार खरीफ में काफ़ी प्रकोप करते हैं मुख्य फसल पर, जिससे कि आपकी जो मुख्य फसल की जो प्रतिस्पर्धा है इनके प्रति काफ़ी हो जाती है। इसमें आपके जो मुख्य पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता कम हो जाती है, जल की उपलब्धता कम हो जाती है और जो सूर्य के प्रकाश की उपलब्धता कम हो जाती है, क्योंकि ये जो खरपतवार होते हैं खरीफ के, जो भी खरपतवार हैं वो अपनी साइकिल 30 से 35 दिन की अवस्था में पूरी करके अपने जीवन चक्र को और जो भी आपकी मिट्टी का जो मुख्य फसल का जो भी भाग है उसको खा पी के ख़त्म हो जाते हैं और हमारी मुख्य फसल कमज़ोर हो जाती है। तो किसान भाइयों, इसके लिए आपको जो मुख्य फसल जब हमारी 30 से 35 दिन है तो हमें इसमें पहली निदाई की बहुत आवश्यकता होती है, तो इसकी आप पहली निदाई खुरपी से या खुरपी से कर सकते हैं, और जिससे कि जो मिट्टी में जो वायु संचार है, जो ऑक्सीजन का जो संचार है वो बहुत अच्छे से होगा। पानी जैसे ज़्यादा खरीफ में पड़ता है तो थोड़ी सी मिट्टी क्या थोड़ी टफ हो जाती है, जिससे हमारी जड़ें चिपक जाती हैं और श्वसन नहीं कर पाती हैं। तो यदि हम पहली इसकी 30 से 35 दिन पे यदि हम इसकी गुड़ाई कर देते हैं तो बहुत अच्छे से इनकी जड़ों का विकास होता है और उत्पादन पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, जो अरहर की जो हमारी फसल है इसमें सबसे ज़्यादा यदि पानी भरा रहे तो इसमें उखटा या गलन रोग आ जाता है, तो इसमें जल निकास का विशेष ध्यान रखिए। जब भी हमारी खेत में ज़्यादा पानी, यदि बारिश के कारण ज़्यादा पानी भर जाता है तो नालियाँ बनाकर इसको पानी को निकालें और सही उचित जल निकास की व्यवस्था करें, जिससे कि जो भयंकर रोग है, जड़ गलन रोग है या जो उखटा रोग है वो ना आए। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में अरहर की फसल को सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन अधिक दिनों तक वर्षा नहीं होने की दशा में यदि अरहर की फसल सूखने लगती है तो इसकी उचित बढ़वार के लिए एक जीवन रक्षक सिंचाई जरूर कर दें, जिससे आने वाले समय में अरहर की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। अब किसान भाई, बात आती है अपनी कीट की, तो कीट में क्या है, इसमें सबसे ज्यादा कैटरपिलर की समस्या आती है, जो कि पत्तियों को फली में घुसकर फली को खा लेती है और पूरा खोखला कर देती है। तो जैसे ही यदि कैटरपिलर की समस्या आती है तो आप देखें, यदि दो चार जगह है तो आप उसको फली को तोड़ दें और उसको हाथ से निकाल के भी फेंक दें। यदि आपको लगता है कि नहीं, ये समस्या 8 से 10% बढ़ गई है, तो आप तुरंत ही नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र में कीट वैज्ञानिकों से मिलकर इसकी दवा पूछें और कीटनाशक जो कि बाज़ार में आपके उपलब्ध हो उसको लेकर आएं और तुरंत इसको आप इसका स्प्रे करें।
यदि आपको देखा है कि नहीं हो पा रहा है कंट्रोल एक बार में करने से, फिर आप इसको 30 से 35 दिन के अंतराल पर आप फिर कर सकते हैं, क्योंकि क्या रहता है कि ये जो इल्ली होती है वो हमारी फली में घुस कर नुकसान पहुंचाती है। कभी कभी ये फली में घुसी रहती है और बच जाती है, तो हमको इसको दूसरी बार भी हम इस पर इसका स्प्रे कर सकते हैं। किसान भाइयों, अरहर की फसल में बांझपन विषाणु रोग का प्रकोप होता है। यह रोग विषाणु से होता है। इसके लक्षण ग्रसित पौधों के ऊपरी शाखाओं में पत्तियां छोटी हल्के रंग की और अधिक लगती हैं। ग्रसित पौधों में फूल फली नहीं लगती है। यह रोग मकड़ी के द्वारा फैलाया जाता है। इसकी रोकथाम के लिए रोग निरोधी किस्मों को लगाना चाहिए। इसके अलावा रोग ग्रसित अरहर के पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए और रोग को फैलाने वाली मकड़ियों के नियंत्रण के लिए हेक्सीथाइजोक्स नामक दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें। मेरे द्वारा बताए गए जो बिंदु हैं, यदि आप उन पर ध्यान रखते हैं तो निश्चित ही तौर पर आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपका उत्पादन बहुत अच्छा होगा और काफी आपको आर्थिक लाभ होगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता में स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्य में धान की खेती व्यापक स्तर पर की जाती है, लेकिन धान का अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए इस समय फसल में खरपतवार नियंत्रण और जल प्रबंधन करते हुए कीट रोगों की रोकथाम पर भी ध्यान देना होगा। तो आप किस तरह से करें इन तमाम जरूरी कार्यों को, इसकी जानकारी दे रहे हैं राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. ब्रजराज सिंह कंसाना। किसान भाइयों नमस्कार। अभी आपके खेत में धान की फसल आपने लगाई है, वो फसल लगभग 25 से 30 दिन की अवस्था में अभी अपने खेत में खड़ी हुई है, तो उसमें कई तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं। सबसे पहली समस्या खरपतवारों की। खरपतवारों से धान की फसल में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और लगभग 70 से 80% तक उपज की हानि हमें देखने को मिलती है। खरीफ मौसम में खरपतवारों का शुरुआत से ही अधिक प्रकोप होता है। खरपतवार फसलों के साथ साथ प्रकाश, मृदा, जल, पोषक तत्वों तथा वायु के लिए प्रतिस्पर्धा कर उसकी उपज में भारी कमी करते हैं। फसलों को हानि पहुंचाने वाले व्याधियों जैसे कीट, रोग, सूत्रकृमि की अपेक्षा खरपतवारों द्वारा फसलों को सर्वाधिक हानि होती है। ऐसी परिस्थिति में हमारे किसान भाइयों को आवश्यक रूप से ध्यान रखना चाहिए कि धान की फसल में रासायनिक खरपतवार नियंत्रण का प्रयोग करें और रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए बिस्पायरी बैग सोडियम 10%, ये 40 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से अगर अपन उपयोग करते हैं तो उससे जो इनिशियल स्टेज में आपके खरपतवार निकल रहे हैं, खासकर सकरी पत्ती वाले जो खरपतवार हैं वो जब 2 से 4 इंच हाइट के होते हैं तब, और चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जो 2 से 4 पत्ती अवस्था में होते हैं तब अगर अपन इस हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं तो उससे 100% कंट्रोल आता है और हमारे फसल को हम आसानी से खरपतवार विहीन कर सकते हैं। उसके बाद भी आपको कुछ खरपतवार दिखाई दे रहे हैं तो उसमें आप लेबर के द्वारा भी जो खरपतवार हैं उनको नियंत्रित करने का काम कर सकते हैं। इसके लिए एक साधारण तरीका निंदाई गुड़ाई, जो हम सभी किसान भाई जानते हैं और अपने लेबर से अपन जो खरपतवार हैं उनको उखड़वा के निकलवाने का काम करते हैं। इसके साथ साथ अगर हमने धान 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाई है तो उस अवस्था में हम भीलो, एक बहुत ही साधारण और सस्ता इम्प्लीमेंट है, कोनो बीडर भी एक बाजार में आसानी से मिलता है, इसका प्रयोग करके भी हम अपने खेत के बीच जो दो लाइन है उनके बीच में यंत्रों का उपयोग करते हैं, तो इन छोटे छोटे यंत्रों के प्रयोग से हम कम लागत में अपना खरपतवार नियंत्रण आसानी से कर सकते हैं। जल प्रबंधन भी एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर हमें चर्चा करना आवश्यक है। अगर ड्राई स्पेल की स्थिति बनती है और हमारे खेत में किसी भी प्रकार से नमी की कमी होती है तो उससे हमारी फसल पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा। फूल आने की अवस्था से लेके
दाना बनने की अवस्था तक खेत में कम से कम 2 से 4 सेंटीमीटर पानी का होना अत्यावश्यक है। और बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी भरने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में अगर हम तो उसके कारण भी हमारी फसल पर बहुत ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता और हमारी जल की आवश्यकता बढ़ जाती है, जिससे लागत भी बढ़ती है। आपने शुरुआत में जो धान में फर्टिलाइजर दिया था, उसके अतिरिक्त अगर 1 महीने की फसल जब हमारी हो रही है, तब हमें उसमें टॉप ड्रेसिंग के माध्यम से यूरिया की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में अगर हम नाइट्रोजन की कमी रखते हैं तो हमारी धान के उत्पादन पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें नैनो यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं या जो दानेदार यूरिया है उसकी टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। टॉप ड्रेसिंग के लिए हम लगभग 30 से 35 किलोग्राम यूरिया प्रति बीघा के हिसाब से अगर प्रयोग करते हैं, और यह प्रयोग हम 15-20 दिन बाद दोबारा भी करेंगे, जिससे कि हमारे धान है उसकी नाइट्रोजन की पूरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाए और हमें उससे अच्छा उत्पादन प्राप्त हो। इसी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कीट और रोग नियंत्रण। चूँकि हम धान की फसल लगाते हैं और जिन क्षेत्रों में खासकर सेंटेड राइस का उत्पादन होता है, जिनमें 15-09-16-92-11-21-17-18 इन प्रजातियों का प्रयोग किसान भाई कर रहे हैं, उन क्षेत्रों में हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि उनमें कीड़े और बीमारियों का अटैक भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। बरसात के समय तना छेदक कीट धान की फसल में लग जाते हैं। तना छेदक कीट की सुड़िया काफी हानिकारक होती है। यह हल्के पीले शरीर वाली तथा नारंगी पीले सर की होती है। मादा सुड़ी के पंख पीले होते हैं। यह पौधे की गोप में प्रवेश कर जाती है, जिससे पौधे की बढ़वार रुक जाती है। कीट पौधे की गोप के तने को काट देती है, जिससे गोप सूख जाता है और पालियों का रंग सफेद पड़ने लगता है। अगर 5% प्रति वर्ग मीटर से अधिक गोप मृत होने पर रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। तना छेदक की रोकथाम के लिए कार्बोफुरान 3G 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। इस तरीके के कई सारे इंसेक्टिसाइड बाजार में उपलब्ध हैं, जिनका प्रयोग करने से हम इस प्रकार की अवस्था में अपनी फसल को से बचा लेते हैं, जिससे हमारी फसल का उत्पादन प्रभावित नहीं होता और हमें अच्छा खासा उत्पादन उससे प्राप्त होता है। शुरुआती अवस्था में जब हमारी फसल 1 महीने के आसपास है। खैरा रोग धान में लगने वाला एक रोग है, जिसमें पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं, जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं। पौधा बौना रह जाता है और व्याध कम होती है। प्रभावित पौधों की जड़ें भी कत्थई रंग की हो जाती है। यह रोग मिट्टी में जस्ते की कमी के कारण होता है। इसके रोकथाम के लिए फसल पर 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 2.5 किलोग्राम बूझे चूने के साथ 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। और उसका अगर अपन स्प्रे करते हैं तो इस रोग का नियंत्रण कर सकते हैं, जिससे हमारी फसल को हम बीमारियों और फफूंदी जन्य रोगों से बचाकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। अपने राज्य में इस समय खरीफ की फसलें किसानों के खेतों में लहलहा रही हैं, लेकिन बारिश के साथ ही इन फसलों पर कातरा कीट का प्रकोप बढ़ जाता है। यदि किसानों द्वारा समय पर इस कीट का नियंत्रण नहीं किया गया तो ये फसलों में भारी नुकसान पहुंचा सकता है। तो इस नुकसान को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इस कातरा कीट का समय रहते नियंत्रण करें। परंतु कैसे करें इस कीट का नियंत्रण, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर PC यादव। यह कीट बहुभक्षी कीट है, जो लगभग सभी फसलों का आता है। उसके अलावा खरीफ में सबसे ज्यादा चावला, मूंग, गवार, और अगर ये नहीं मिले तो दूसरी फसलों को भी खा लेता है। इसका खाने का तरीका है, ये एक साथ ग्रुप में चलते हैं और आर्मी की तरह चलते हैं, बैंड में चलते हैं जैसे आर्मी चल रही हो, और पीछे ऐसे लगता है जैसे खेत को कोई जानवर चर गया हो। तो ये खतरनाक कीट है। खरीफ फसलों पर कातरा का साया, बारिश के साथ ही होता है अधिक प्रकोप, फसलों को चट कर जाता है कातरा कीट, किसानों की करी कराई मेहनत पर फेर देता है पानी।
समय पर नियंत्रण न करने पर किसान हो जाते हैं बर्बाद। किसान भाइयों, बारिश के साथ ही खरीफ फसलों पर कातरा का हमला बढ़ गया है। कई जगहों पर कातरा कीट फसलों को चट कर रहा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये कीट फसल की पत्तियों को खाकर छलनी कर रहा है, जिससे फसलें पूरी तरह से चौपट हो जाती हैं और किसानों को समझ नहीं आ पाता कि अब वे करें तो करें क्या। इसीलिए सबसे पहले आपको इस कीट को पहचानना जरूरी है। जब आपको खेत के मेड़ के आसपास जो खरपतवार उगे हुए हैं उस पे पीले कलर के अंडे दिखे, हल्के पीले कलर के, तो समझ जाना चाहिए कातरा के अंडे, और वो पत्तियों की निचली सतह पर देते हैं। अब इन अंडों से लठ निकलेगी बाहर और लठ के ऊपर रोए होंगे, बाल होंगे, बालदार होंगे, हेरी कैटरपिलर जिसको बोलते हैं। तो ये जैसे ही निकलेगी, पहले इसका पिंक कलर होगा जब जैसे बड़ी होगी, और लठ काफ़ी बड़ी होने के बाद में इसका हल्का पिंक कलर हो जाता है और ये बहुत नुकसान पहुँचाती है। जहाँ बारिश ज़्यादा होती है तो ये लठ का प्रकोप कम होता है, और जहाँ बारिश में अंतराल आ जाता है बीच में, तो इस लठ का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बारिश से इसके रोए झड़ जाते हैं और रोए झड़ने के बाद में ये लठ कमज़ोर हो जाती है और मर जाती है। तो बारिश का इसके कंट्रोल में बहुत बड़ा योगदान है, और जहाँ बारिश में अंतराल आ गया कि एक हफ्ते का या 15 दिन का, 20 दिन का अटैक के बाद में, तो ये खतरनाक साबित होता है। किसान भाइयों, कातरा कीट फसल को चौपट कर देता है, जिसको लेकर किसान चिंतित है, और किसानों का चिंतित होना लाजमी भी है, क्योंकि उनकी करी कराई मेहनत पर ये कीट पानी फेर जाता है। तो इस कीट की गंभीर समस्या को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि आप इस कीट की रोकथाम के लिए उचित कदम उठाएं। इस कीट के नियंत्रण के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, गहरी जुताई सबसे लाभदायक रहती है। इसमें इन कीटों के कोवे छिपे रहते हैं और वो गहरी जुताई करने से ऊपर आ जाते हैं और उनको पक्षी खा जाते हैं, जिससे इनको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। खेत की आसपास, मेड़ों के आसपास सभी खरपतवारों को ध्यान से हटाएं। इसके साथ ही फिर अगर फिर भी इस कीट की संभावना ज़्यादा बना रहती है, तो आप जैसे ही किसान भाई बुआई करते हैं, उसके खेत के चारों तरफ ट्रैप क्रॉप भी लगा सकते हैं। ट्रैप क्रॉप में लगाने के लिए चावला की चारों तरफ बॉर्डर लगा दो मूंग के, तो वो सारा जो कीट है वो चावला पे आ जाएगा और मूंग बच जाएगा अपना। मानसून की पहली बरसात होते ही प्रकाश पाश लगाएं, 5 प्रकाश पाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में लगाएं, जिससे ये कीट आसानी से नियंत्रण हो सके। और अगर प्रकाश पाश की व्यवस्था नहीं है किसान के पास, तो वो अलग अलग जगह आग भी जला सकता है, जिसको बॉन फायर बोलते हैं। उस बॉन फायर से आराम से वो उस आग के पास आ जाएंगे और उनको इकट्ठा करके नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा फेरोमोन ट्रैप, इन कीटों का फेरोमोन जो ज़्यादातर मादाएं छोड़ती हैं और जो नर इकट्ठे हो जाते हैं, और उन नर को इकट्ठा करके अपन नष्ट कर सकते हैं। फिर अगर ज़्यादा समस्या बनी रहती है तो इसका रासायनिक उपचार भी है। रासायनिक उपचार के लिए आप प्रोफेनोपोस प्लस साइप्रमेथ्रिन का कॉम्बिनेशन आता है, जो 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से अपन छिड़काव करेंगे तो कातरा से निजात मिल जाएगी। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं, और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उनका जवाब इस प्रकार से है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है, उसे पूछा है ग्राम सुरेखपुर जिला नीमच के किसान जीवन चौधरी ने। आप दुधारू पशुओं को खुरपका मुंहपका रोग से बचाने के उपायों के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो जीवन चौधरी जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। अब हमारे पशुओं में किस तरह से ये संक्रामक रोग खुरपका और मुंहपका फैलता है, उसकी जानकारी थोड़ी आपको देना चाहेंगे। ये खुरपका मुंहपका रोग पशुओं में एक संक्रामक रोग है, और इसके मतलब फैलने का खाली संपर्क से तो फैलता भी है, दाना पानी चारा और उस जगह पर भी फैलता है जहाँ पर संक्रामक पशु बंधा हुआ है। इसलिए जैसे ही पशु संक्रामक होता है तो सारे पशुओं को उससे अलग कर दें। मुंहपका खुरपका रोग, जिसे हम FMD के नाम से भी जानते हैं,
ये गाय भैंस भेड़ बकरी सुअर आदि पालतू पशुओं में होने वाला एक अत्यधिक संक्रामक रोग है। खासकर दुधारू गाय और भैंस में ये बीमारी अधिक नुकसानदायक होती है। ये रोग एक अत्यंत सूक्ष्म विषाणु से होता है। ये पशुओं में अत्यधिक तेजी से फैलने वाला रोग है और कुछ समय में एक झुंड या पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर देता है। इस रोग से पशुधन उत्पादन में भारी कमी आती है, साथ ही देश से पशु उत्पादों के निर्यात पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं मुंहपका खुरपका रोग के प्रमुख लक्षणों की। पशुओं में इसके लक्षण किस प्रकार पाए जाते हैं ये आपको थोड़ा बताते हैं। पहले में क्या होता है, स्वस्थ पशु जैसे ही उसको अचानक तेज बुखार आता है। दूसरे लक्षण में उसके मुंह पर और खुर के बीच फुंसी हो जाती है। और तीसरे लक्षण में पशु लड़खड़ाने लगता है और उसके मुंह से लार आने लगती है। पशुपालकों को एक और जानकारी देना चाहेंगे कि ये मुख्य रूप से गाय और छोटे बछड़ों में तेज़ी से फैलता है और ये अपने भैंस वगैरह में इतना तेज़ी से नहीं फैलता जितना गाय और छोटे बछड़ों में ज़्यादा फैलता है। बीमार पशु के मुंह मसूड़े जीभ के ऊपर नीचे ओट के अंदर का भाग खुरों के बीच के जगह पर छोटे छोटे दाने से उभर आते हैं, फिर धीरे धीरे ये दाने आपस में मिलकर बड़ा छाला बनाते हैं। समय पाकर ये छाले फल जाते हैं और उनमें जख्म हो जाता है। ऐसी स्थिति में पशु जुगाली करना बंद कर देता है, मुंह से तमाम लार गिरती है, पशु सुस्त पड़ जाते हैं। खुर में जख्म होने की वजह से पशु लंगड़ा का चलता है। पैरों के जख्मों में जब कीचड़ मिट्टी आदि लगती है तो उनमें कीड़े पड़ जाते हैं और उनमें बहुत दर्द होता है, पशु लंगड़ाने लगता है। दुधारू पशुओं में दूध का उत्पादन एकदम गिर जाता है और पशु बहुत कमजोर होने लगते हैं। समय पाकर व इलाज होने पर ये छाले व जख्म भर जाते हैं, परंतु संकर पशुओं में ये रोग कभी कभी मौत का कारण भी बन जाता है। तो इसके लिए अपने को क्या उपचार करना है, जैसे ही लक्षण दिखें अब उसके उपचार किस तरह किए जाएं। संक्रामक पशु को अलग करके उसको सबसे पहले एंटीसेप्टिक लोशन से उसके छालों को जो भी फुंसियाँ हुई हैं उनको वाश करवाया जाए। उपचार में प्रथम आपको जो एंटीसेप्टिक लोशन पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बना है उसको गुनगुने पानी में करीब 1 लीटर पानी में 2 ग्राम डाल दें और उसको गुनगुना पानी रहने से उसको वाश करवाएं, मुंह पर भी वाश करवाएं और उसके खुर को भी वाश करवाएं। और जो उसके बाद बीटाडिन जो एंटीसेप्टिक लोशन है उससे स्प्रे कर दें, फिर उसके बाद आप एंटीबायोटिक के इंजेक्शन दें, फिर दर्द निवारक इंजेक्शन दें, फिर उसके बाद उसको ऑइंटमेंट लगाएं। इस तरह कम से कम आपको 3 से 5 दिन तक उपचार करना है। और जो ग्यावन पशु है उसमें आपको एंटीबायोटिक समझ के देना है, मतलब उनकी एंटीबायोटिक अलग रहती हैं और जो नॉन गर्भित पशु रहते हैं उनकी एंटीबायोटिक अलग रहती हैं, इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। इस तरह कम से कम 3 से 5 दिन उनको एंटीबायोटिक दवाइयाँ दी जाएँ जिसमें वो पूरी तरह से लक्षण काबू में आ सके। इस रोग से अन्य पशुओं को बचाने के लिए सावधानी रखना जरूरी होता है। इसके लिए आप प्रभावित पशुओं को साफ एवं हवादार स्थान पर अन्य स्वस्थ पशुओं से दूर रखें। पशुओं की देखरेख करने वाले व्यक्ति को भी हाथ पांव अच्छी तरह साफ कर ही दूसरे पशुओं के संपर्क में जाना चाहिए। प्रभावित पशु के मुंह से गिरने वाली लार और पैर के घाव के संपर्क में आने वाली वस्तुओं जैसे पुआल भूसा घास आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना के साथ गाड़ दिया जाना चाहिए। संक्रामक पशुओं में टीकाकरण मुख्य मेन है कि इसका समय पर अगर आप टीकाकरण करवा लें तो आप अपने पशु को संक्रमित होने से बचा सकते हैं ताकि उसके दुग्ध उत्पादन पर कोई असर ना आए। और खासकर विशेष रूप से हमारे जो डेयरी पशुपालक हैं उनको तो विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि समय पर अपना टीकाकरण करवाएं। इसका टीकाकरण होता है 4 से 6 माह की आयु में और प्रत्येक 6 महीने के बाद हो जाता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। Thank you.
किसान भाइयों अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadataMP@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889263 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।